मिल्की वे, हमारी आकाश गंगा। गौर से देखिए इस तस्वीर को, इसमें जो धुंधली सी दिखाई दे रही है वो करोड़ों तारों का समूह है, जिसमें से एक छोटा तारा सूर्य। जिसके चारों तरफ लाखों एस्ट्रॉइड घूम रहे हैं, जिसमें से आठ ग्रह, और इन आठ ग्रहों में से एक ग्रह अपना पृथ्वी है। कोई कहता है भगवान ने बनाया, कोई कहता है अल्लाह ने बनाया, पर जिसने भी बनाया बड़ी कमाल का बनाया। अगर हम इस स्केल से देखें तो हमारी धरती सुई के नोक के बराबर भी नहीं है। ये है हमारी औकात। तो ये दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी जितना कि हम सोच भी नहीं सकते, और हम इसके कंपेयर में एक कीड़े मकोड़े एक एटम के समान है। जरा सोचिए, इस अनंत ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी पे ही जीवन है। क्यों? अगर इस पृथ्वी पे जीवन नहीं होता तो क्या होता? इस दुनिया को जानने, समझने, पूछने वाला कौन होता? इतने बड़े निर्जीव ब्रह्मांड में हम सजीव, हमारा जीवन होने का क्या मतलब है? अगर ये नहीं होता तो फिर क्या होता? ये क्या पूछने वाला भी नहीं होता। तो जरा सोचिए, हमारी जिंदगी कितना अनमोल है। अगर आपको एक दिन के लिए एक हेलीकॉप्टर दिया जाए और आपको ये फ्री दिया जाए कि आप जितना चाहे उतना घूम सकते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको जितना मनपसंद जगह होगा और ज़्यादा से ज़्यादा घूमने का प्रयास करेंगे। आप बैठ के समय गंवाने का प्रयास नहीं करेंगे। ये जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है और कुछ कर दिखाने का सीमित समय होता है। तो इस लाइफ के हेलीकॉप्टर का स्टीयरिंग आपके हाथ में है, डिपेंड आप पे करता है कि आप उड़ना पसंद करेंगे या बैठकर मौका गंवाना। समय अपने मस्त चाल में चल रही है, फैसला आपके हाथ में है, भाग भरोसे सो जाए या समय के साथ कुछ कर जाए। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मोबाइल को साइड में रख के थोड़ा देर के लिए इस सब बातों को सोचिएगा। आपका दिमाग खाली खाली सा लगेगा और एक जुनून से भर जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।